हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। एंड नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 3, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बच्चों एक्सरसाइज 3.1, 3.2 ऑलरेडी बच्चों अपलोड हो गई है और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बच्चों ऑलरेडी अपलोड हो गया। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो जाकर के प्ले लिस्ट में क्लासेस मैथ्स टुडे में आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की करेंगे। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें बच्चों, जैसे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज हम 3.3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, मैं रीड कर देता हूं एक बार। मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों आप लोगों को क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, सब ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, x की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसमें, 2x प्लस 3 में, और माइनस के 5 की मल्टीप्लाई बच्चों करनी है 2x प्लस 3 में। आइए मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 3x, माइनस का 5, 2 जा 10x, और 5 3 जा बच्चों कितना आ गया माइनस का 15। 2x स्क्वायर 10 में से 3 जाएगा बच्चों माइनस का 7x, और माइनस का कितना बच्चों 15। ये आपका बच्चों फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर आ गया। आइए बी पार्ट का आंसर बच्चों चेक करते हैं जरा क्या गिवन है। ये p की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पहले हम 3p माइनस q में, ध्यान दी मल्टीप्लाई पूरे की पूरे मग, पहले इसकी इसमें और फिर इसके बाद इसमें करेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए बच्चों 3q, कितना आ जाएगा 3p माइनस q बच्चों। आइए तो चलिए बच्चा मल्टीप्लाई अब करवाइए जरा, कितना आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस का बच्चों pq प्लस का 3 या 9pq और माइनस का बच्चों 3q स्क्वायर। यहाँ ये बच्चों कितना जाएगा 3p स्क्वायर, 9 में से बच्चों pq जाएगा, कितना आएगा बच्चों प्लस का आएगा 8pq और माइनस का बच्चों कितना आ गया 3q स्क्वायर। सभी बच्चे एक बार आंसर राइट चेक कर लेंगे, प्लस 8 3p, यस राइट आंसर। आइए सी पार्ट देख लेते बच्चों, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए में, और माइनस के बी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए में। करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए क्यूब है ना, और माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा बच्चों आपका। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्या गिवन, सबसे पहले ये आंसर में है ए क्यूब आपका सबसे पहले बच्चों आ रहा, तो ए क्यूब आप लोग सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर। वैसे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अगर बुक के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो ए क्यूब हो जाएगा आपका आंसर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और माइनस का बच्चों कितना जाएगा बी क्यूब आपका क्या जाएगा आंसर। चलिए इसका बच्चों डी पार्ट और हम लोग देख लेंगे जरा क्या गिवन है। एक्स है बच्चों, एक्स की मल्टीप्लाई होनी किसमें, वाई माइनस 3 में, प्लस का 3 है, किसमें मल्टीप्लाई होनी बच्चों, वाई माइनस 3 में। एक्स की बच्चों वाई में जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा एक्स वाई, एक्स के 3 में करेंगे बच्चों कितना आएगा माइनस का 3x, 3 की y में जब बच्चों करेंगे तो कितना आएगा आपका 3y, और 3 जा बच्चों कितना हो गया माइनस का 9। आप लोगों का आंसर शायद यही आ रहा होगा, चेक कर लेंगे एक बार सभी बच्चे, यस राइट आंसर। तो बच्चों आइए हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, आइए देखते हैं इसके क्या गिवन नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट आइए देखते हैं बच्चों, 3a/4 माइनस 2b/3, 3a/4 प्लस 2b/3। बच्चों एक आपने आइडेंटिटी हमने आप लोगों को पढ़ाई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब आप देख रहे होंगे मीन्स क्या है, ए दोनों सेम है, देखिए ए की जगह यहाँ भी सेम है, यहाँ भी बी की जगह यहाँ भी वही है, यहाँ भी, तो फॉर्मूला कंडीशन आपकी ये बन गई, तो आप इसका यूज़ कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 3a/4 का होल स्क्वायर माइनस का साइन लगा दीजिए, देखिए माइनस है, बी की वैल्यू कितनी ये है, तो 2b/3 का कितना हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, तो 3 3 9a स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4b² / 9 बच्चों। शायद यही आप लोगों का क्या आ रहा होगा आंसर आ रहा होगा, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे अपनी बुक में सब, यस राइट आंसर बच्चों। तो सेम फॉर्मूले का आप लोग यहाँ यूज करेंगे, चलिए मैं ही करा दे रहा हूँ आपको, 0.2a का होल स्क्वायर माइनस 0.3b का होल स्क्वायर बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 0.2 का करूँगा तो बच्चों आप लोगों को पता है, तो 0.04a² माइनस 0.03b² बच्चों, डेसिमल की प्रोडक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब आपने बच्चों पिछली क्लास में सीख लिए होंगे। तो ये बच्चों चलता हूँ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं। आइए सबसे पहले क्या, जैसे आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, 5x की मल्टीप्लाई किस में होगी बच्चों, 4x माइनस 3 में बच्चों, फिर 2y की मल्टीप्लाई किस में होगी बच्चों, पूरे में होगी, 4x माइनस 3, और फिर बच्चों आइए बच्चों कितना हो गया 2y की हमने 4x माइनस 3 में कर दी, माइनस का बच्चों कितना 3z की किस में करेंगे बच्चों हम लोग, अब 4x माइनस 3 में करेंगे। चलिए आइए देखते कैसे करते हैं बच्चों, 5 4 20x स्क्वायर, 5 3 जा बच्चों कितना हो जाएगा आपका माइनस का 15x हो जाएगा,
प्लस का साइन लगाइए बच्चों, 2 4 8xy, 2 3 बच्चों माइनस का कितना हो जाएगा 6y, माइनस का साइन लगाइए बच्चों, 3 4 12xz और 3 3 बच्चों कितना हो जाएगा 9 और माइनस का 9z, मीन्स ये हो जाएगा आपका। तो देखिए 20x2, उसके बाद बच्चों प्लस का 8xy, उसके बाद बच्चों माइनस का 12xz या zx लिख सकते हैं, माइनस का 15x, माइनस का 6y और प्लस का बच्चों 9z। अब आप लोग आंसर अपना चेक कर सकते हैं। चलिए आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं जरा सा। 20x2 प्लस 8xy माइनस 12xz माइनस 15x माइनस 6y प्लस का 9z बच्चों। आइए इसका हम लोग अब सेकंड पार्ट्स करते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लेंगे, रीचेक करना बहुत जरूरी है बच्चों क्वेश्चन को। पी प्लस क्यू प्लस आर पी माइनस आर बच्चों, ये क्वेश्चन है। आइए देखिए, देखिए बहुत सिंपल सा कराऊंगा मैं आप लोगों को। पी की मल्टीप्लाई सबसे पहले पी माइनस आर में, क्यू की मल्टीप्लाई पी माइनस आर में, और आर की मल्टीप्लाई बच्चों किस में, पी माइनस आर में। तो पी की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर हो जाएगी और माइनस का पी आर, कितना हो जाएगा पी क्यू, और माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा क्यू आर, कितना हो जाएगा बच्चों पी आर और माइनस का आर स्क्वायर बच्चों। यहाँ से देखिए पी स्क्वायर आपका सेम रहेगा, देखिए पी आर आपका माइनस का, पी आर आपका बच्चों प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच्चा बच्चों, यहाँ से आपका पी क्यू माइनस का क्यू आर और माइनस का बच्चों कितना हो गया आर स्क्वायर। आंसर एक बार सभी बच्चे चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों। आइए, ये है इसका कौन सा पार्ट भाई, सेकेंड का बी पार्ट, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस का आर स्क्वायर, यस राइट आंसर। आइए बच्चों सी पार्ट पे चलते हैं हम लोग, एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे सभी बच्चे। ये है आपका 4a+3 बच्चों, 4a-3b+5c, 4a+3 बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रीचेक करा हमने। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने ऊपर किया बिल्कुल सेम एज करना है आपको, 4a की मल्टीप्लाई करनी बच्चों 4a+3 में, माइनस का 3b की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 4a+3 में, प्लस के 5c की मल्टीप्लाई करनी बच्चों 4a+3 में। आइए देखें, 4 4 16a² 4 3 12a, माइनस का 3 4 12ab, 3 3 9b, प्लस का बच्चों 5 4 20ac और 5 3 बच्चों 15c। आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए एक जैसी टर्म देख लीजिए क्या कोई है या नहीं है। नहीं है तो आप लोगों का आंसर लगभग इसी तरीके का दिया होगा। एक बार फॉर्म चेक कर लेते हैं सिर्फ हम, यस बिल्कुल सेम आंसर बच्चों गिवन है। आप लोग आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि फॉर्म तो आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, आप तो यहीं छोड़ दीजिएगा। अब आपकी बुक में चेक कर लीजिए क्या फॉर्म आपकी बुक में गिवन है। तो बुक वालों ने आपको जो फॉर्म दी है 16a² गिवन है, उसके बाद इन्होंने बच्चों यहाँ लिख दिया है माइनस का 12ab, माइनस का 20ac, प्लस का 12a, माइनस का 9b और प्लस का 15c बच्चों। दोनों आपके आंसर हैं, दोनों में से कोई भी छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों इसका हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं, इसका ई पार्ट। डी आप लोगों के लिए होमवर्क में है बच्चों, मैं रीचेक कर लूँ आंसर एक बार। 16a² माइनस 12ab माइनस 9b प्लस 20ac यस, प्लस का 20ac बच्चों, ये प्लस का यहाँ ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, आइए बच्चों हम इसका ई पार्ट करते हैं। अभी ई पार्ट देख लेंगे एक बार जरा सभी बच्चे। तो ई पार्ट भी बच्चों सेम है, बिल्कुल आप लोगों को करना है a² b की मल्टीप्लाई 1 - a में, b² a की मल्टीप्लाई 1 - a में, और 1 की मल्टीप्लाई 1 - a। चलिए a² b माइनस का a³ b हो जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो a³ b हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दीजिए, b² a हो जाएगा आपका, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा b² a² और 1 - a हो जाएगा बच्चों। देखिए a² b है यहाँ पर, और ये a³ b लिखा हुआ, b² a और 1 - a। अब फॉर्म में या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, अब आपको अगर फॉर्म बनानी है तो फॉर्म बना लीजिए, फिर फॉर्म एक बार रीचेक कर लेंगे जरा क्या गिवन है। यस फॉर्म बना लीजिए बच्चों, फॉर्म ही बनाई हुई है। माइनस का सबसे पहले
और करके लिख दे रहा हूँ, मैं और करके इसलिए लिखता हूँ जैसे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना, माइनस का ए क्यूब बी बच्चों, ये सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद बच्चों आएगा आपका ए स्क्वायर बी, फिर उसके बाद आएगा बच्चों आपका प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर बी, माइनस का बी स्क्वायर ए, माइनस का ए और प्लस का वन बच्चों, ये आप लोगों का क्या है आंसर है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से दोबारा, माइनस का ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर बी, माइनस का बी स्क्वायर ए और माइनस का ए प्लस का वन। तो ये आप लोगों का बच्चों क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हुआ, इसका डी पार्ट आप लोगों को होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या आगे। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना थर्ड का ए पार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे जरा। तो क्वेश्चन में जो आप लोगों को गिवन है बच्चों वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बच्चों, आप लोगों को सिंप्लीफाई गिवन है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हम लोग बहुत ईजी है बच्चों क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम लोग अपनी मल्टीप्लाई जैसे हम लोग पहले कर रहे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ये क्या लिखा हुआ, पी की मल्टीप्लाई पहले तो करेंगे पी माइनस क्यू माइनस आर में बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को। प्लस का साइन लगाइए, क्यू की मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे हम पी माइनस क्यू माइनस आर में, और फिर आर की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों पी माइनस क्यू माइनस आर में, क्लियर हो गई सभी बच्चों को। अब ये टर्म आप बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे पी क्यू माइनस क्यू आर, ये साथ कट जाएंगे, अभी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो शायद ये कटेंगे अंदर आने। बच्चों एक बार जरा क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे, एक पार्ट बच्चों जो गिवन है पी प्लस क्यू प्लस आर गिवन है, पी माइनस क्यू और प्लस में आर बच्चों, ये यहाँ पर कैसा आपका ये प्लस का है, अब ये सही हुआ आपका क्वेश्चन बच्चों। तो अब यहाँ पर जब प्लस का है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है ये प्लस का है। आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी जल्दी से, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा पी आर, प्लस का पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का बच्चों क्यू आर, प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू माइनस का क्यू आर बच्चों। तो आप लोगों से मैं कह रहा था पहले ही कि कैंसिल हो जाएंगे, तो पी क्यू से पी क्यू बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर से माइनस और क्यू आर का ये बच्चों प्लस हो जाएगा, बचा क्या उसको लिख लीजिए। आइए जरा पहले पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर पी आर बच्चों, अच्छा सुनिए पहले पी क्यू ले देख लीजिए पी क्यू, और भैया पी क्यू कहीं है क्या, पी क्यू पी क्यू थर्ड का ए पार्ट है ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पर बच्चों ये प्लस का साइन है, देखिए यहाँ तो प्लस लगा लीजिएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया बच्चों आपका। बच्चों देखते हैं, देखिए पी आर और पी आर बच्चों कितना हो जाएगा आपका टू पी आर बच्चों, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, पी आर कितना हो जाएगा टू पी आर, ये इसके बाद में बच्चों कितना लिखा हुआ पी क्यू, प्लस का कितना है पी क्यू और आपका कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आप सब इसको आंसर को एक बार चेक कर लेंगे उसके बाद ही नोट करेंगे, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में चेक कर लेंगे सभी बच्चे। यह थर्ड का ए पार्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी आर माइनस का क्यू आर, अच्छा क्यू आर कहीं छूट गया हमारा, ओहो क्यू आर लिखो बच्चों एक मिनट होगा, पहले क्यू आर तो ये रहा ना, माइनस का कितना क्यू आर और प्लस का पी क्यू और प्लस का कितना बच्चों आर स्क्वायर, ये है आपका ए पार्ट। आइए बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों, आइए यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए ए प्लस फाइव में कर दीजिए, माइनस का फाइव है ए प्लस फाइव में कर दीजिए और प्लस में कितना बच्चों 25। आइए जरा देखते ध्यान से देखना सब बच्चे, ए क्यूब प्लस का फाइव ए स्क्वायर माइनस का फाइव है, फाइव फाइव या 25 प्लस में 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यस जी ये तो होगा ए क्यूब प्लस का फाइव पे स्क्वायर और माइनस का फाइव पे, यही आपका आंसर आ रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ फिर आप लोग नोट करिएगा आराम से, ए क्यूब प्लस फाइव पे स्क्वायर माइनस फाइव पे, यस राइट आंसर, यही आपका बच्चों आंसर है। आइए हम लोग इसका सी पार्ट देखते हैं बच्चों, सी में देखिए क्या गिवन है, ये देखिए यहाँ पर एम क्यूब होगा शायद, मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन में बच्चों, नोट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू एल प्लस एम और माइनस का एम क्यूब, यस राइट आंसर यही है बच्चों। आइए देखते हैं क्या करेंगे बच्चों, एल स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए टू एल प्लस एम, माइनस का एम स्क्वायर
2l plus m माइनस का m क्यूब बच्चों। आइए तो कितना हो जाएगा 2l क्यूब प्लस का m l स्क्वायर माइनस का 2l m स्क्वायर माइनस का m क्यूब और माइनस का बच्चों m क्यूब। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम लोग तो 2l m स्क्वायर और 2 ये m क्यूब, तो m क्यूब आपका अच्छा ये तो दोनों अच्छा ठीक है बच्चों, ये कटेंगे नहीं आप लोग ध्यान रखना। देखिए दोनों माइनस के इसलिए ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2l क्यूब। देखिए m l स्क्वायर और l m स्क्वायर दोनों बच्चों अलग अलग हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग कहीं इसको ऐड मत कर देना। तो आप लोग आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और क्योंकि m क्यूब आपका 2m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा और आगे सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस का l स्क्वायर m हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर l और माइनस का 2m क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने m स्क्वायर को पहले लिख दिया, l को बच्चों बाद में करा, और मैंने कुछ नहीं करा। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि आप 3 इंटू 2 कर दो या 2 इंटू 3 कर दो बच्चों, आना दोनों ही टाइम में कितना 6 ही आएगा, तो इसलिए इसमें आप लोगों को चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका डी पार्ट देख लेते हैं, ये डी पार्ट आपका लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। एक्स की मल्टीप्लाई किस में होगी बच्चों? 0.7x। क्लियर हो गया बच्चों? एक्स की कितनी किस में करनी है आपको? 0.7x माइनस का 0.5y प्लस के y की मल्टीप्लाई बच्चों 0.7x माइनस का 0.5y और माइनस का z है बच्चों कर दीजिए 0.7x माइनस का 0.5y मल्टीप्लाई करनी है। आइए तो कितना जाएगा 0.7x स्क्वायर माइनस का 0.5xy बच्चों, प्लस का साइन लगा दीजिए 0.7xy माइनस प्लस माइनस 0.5y स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों यहाँ माइनस का साइन है, हम लोग ही माइनस का साइन ऐसे यूज करेंगे, और 0.7xz और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा 0.5yz बच्चों। अब आप लोग इसको नंबर वाइज लगा सकते हैं 0.7x स्क्वायर बच्चों 0.7xy 0.5, तो बच्चों कितना आएगा प्लस का 7 में से 5 तो 0.2xy हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में यहाँ ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को कितना लिखा हुआ है, एक्स वाई के बाद नंबर किसका आएगा 0। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पे 0.7xy के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों? xz लिख दीजिएगा, xz माइनस का कितना 0.7xz बच्चों। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 0.5 बच्चों, कितना है 0.5। अब ये 0.5 यहाँ आप लोगों को कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, आप लोग क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लीजिए जरा एक बार, 0.5yz और बच्चों माइनस का कितना है 0.5y स्क्वायर। तो ये बच्चों आप लोगों का क्या है आंसर। चलते हैं बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों, इसका ई पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख रहे होंगे सभी बच्चे ध्यान से, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू इफ एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू बच्चों माइनस 1। वैल्यू फाइंड करनी है पहले, इसको सिंप्लीफाई भी आप लोगों को करना है उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी। देखिए आइए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए 2x माइनस वाई लिखा हुआ है बच्चों, प्लस का साइन लगा दीजिएगा, क्लियर? प्लस का साइन लगाया, y की z में करिए बच्चों, yz y की 2 में करिए बच्चों। एक मिनट मैं क्वेश्चन रीचेक करूं भैया, ये z है या 2 है एक बार, ये y माइनस 2 है बच्चों, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं फिर गड़बड़ होता है क्वेश्चन में। प्लस का वाई जेड हो गया, माइनस का बच्चों 2y हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, और एक्स की जेड में करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। अब सॉल्व करने वाला कुछ हो तो सॉल्व कर लीजिए, कुछ है ही नहीं सॉल्व करने वाला, आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर पुट। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, पुट एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू बच्चों माइनस का 1। आइए 2 इंटू 1 बच्चों, वाई की जगह क्या रखना है 0 प्लस 0 इंटू बच्चों माइनस 1 माइनस का 2, वाई की वैल्यू 0 प्लस एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी यहाँ पर हमारी 1, वाई की वैल्यू 0 प्लस का साइन एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू बच्चों माइनस 1। आइए सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 2 1 जा 2, ये तो 0 रहेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो 2 यहाँ से हो गया 0, ये 0 आपका यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से बच्चों माइनस का 1। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे, उसके बाद ही इसको नोट करना है क्वेश्चन को आप लोगों को। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ,
यह फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बच्चों आपका 2x माइनस 3y और वन आंसर आ रहा। हाँ बच्चों ठीक आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने 3y कर दिया, 2y और y एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस का 3y और 3y के बाद में आपका कौन आ जाएगा बच्चों, प्लस का xy और प्लस का कितना बच्चों xz। क्लियर। अब तो क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट आइए देखते हैं। चलिए बच्चों इसका बी पार्ट देखेंगे, x माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस का x माइनस y और x माइनस y। बच्चों देखिए ध्यान से देखना है सभी को, माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, प्लस का साइन लगाइए बच्चों, x की मल्टीप्लाई x माइनस y में कर दीजिए, माइनस का y लगा दीजिए x माइनस y में। इसके बच्चों दो तीन तरीके बन पाएंगे, देखिए x माइनस y या तो आप होल स्क्वायर बना दीजिए, फिर होल स्क्वायर बनाने के बाद उसका होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा, तो मैं होल स्क्वायर ना खोल के मल्टीप्लाई करता हूँ, आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगा बच्चों ये क्वेश्चन। आइए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई करिए बच्चों, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, माइनस का ही एक्स वाई होगा बच्चों और प्लस का वाई स्क्वायर होगा। क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, आएगा क्या आप लोगों का ये ध्यान देना, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, बचा क्या माइनस का जेड स्क्वायर और एक्स वाई बच्चों माइनस का टू एक्स वाई। वैल्यू पुट करिए बच्चों, पुट एक्स इक्वल्स टू बच्चों वन है, वाई इक्वल्स टू जीरो है एंड जेड इक्वल्स टू बच्चों माइनस का वन। पुट कर दीजिए माइनस जेड की वैल्यू बच्चों माइनस वन का स्क्वायर माइनस का टू, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है जीरो, तो वन का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो आप कितना आएगा वन आएगा, यहाँ से आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को क्वेश्चन। ध्यान देंगे फिर से दोबारा से बच्चों, जेड की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस का वन है और एक माइनस आपका यहाँ पहले से ही है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आंसर आप लोगों का कितना आएगा, माइनस का वन आना चाहिए। मैं एक बार आंसर ही चेक कर लेता हूँ जब आप लोग नोट करेंगे इसको। यस बच्चों राइट आंसर है, पर क्वेश्चन में आप लोगों का यहाँ पर प्लस का जेड स्क्वायर गिवन है, यहाँ प्लस का जेड स्क्वायर लिखेंगे सभी बच्चे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका ये प्लस का जेड स्क्वायर, तो आंसर आप लोगों का क्या आ गया बच्चों, वन आ जाएगा प्लस का। ओके तो क्वेश्चन नंबर बच्चों फोर आपका कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज आपकी 3.3 बच्चों कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज 3.4 की स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखें।